मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी तो किसानों ने भी पथराव किया। ऐसे ही हालात जींद बॉर्डर पर भी देखे गए। आज फिर दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया। वे किसान आंदोलन में घायल किसानों से मिले। मंत्री किसानों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बॉर्डर पर एम्बुलेंस को तैनात किया था। इसके साथ ही संगरूर, पटियाला, डेरा बस्सी, मानसा और बटिंडा के अस्पतालों को अलर्ट किया गया था। हांसी और हिसार के किसानों नेता खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। किसान नेता कुलदीप खड़ड़ ने बताया कि अभी सारे किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के तहत अब हरियाणा के किसानों ने भी आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज किसान कैथल से खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ सकते हैं। ये किसान जींद जिले से नरवाना के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। इन किसानों ने जिले के कई गाँव में बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया है। ऐसे में किसान खनौरी मार्ग पर स्थित संगतपुरा बॉर्डर पर बढ़ सकते हैं। धन्ना भगत भाकियों की ओर से अधिक किसानों का दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। सर्वजातीय खाप के राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी टेकराम कंडेला ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की MLC का सभी फसलों पर कानूनी दर्जा दिया जाए और कृषि के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सभी के कर्ज माफ किए जाएं। कंडेला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। कंडेला ने कहा है कि अगर किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो सर्वखाप और किसान संगठन किसानों के साथ है। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर रात लगभग 11 बजे किसानों की बैठक करके सुबह 10 बजे बॉर्डर क्रॉस करने की रणनीति बनाई गई। पुलिस ने भी अपने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली कूच के आह्वान के बाद मंगलवार दोपहर बाद से कुंडली सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद हैं। भारी वाहनों को KMP की GP0 पॉइंट पर से वाया लोनी बॉर्डर दिल्ली और वाया गुरुग्राम भेजा जा रहा है। नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर लोहे के कंटेनर मिट्टी भरकर रखे गए हैं। साथ ही भारी संख्या में लोहे और पत्थर के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। फ्लाईओवर पर कंटीले तार, फिर सीमेंट के बड़े बैरिकेड लगाकर कंक्रीट भरी गई है। 1 दर्जन से अधिक लोहे के कंटेनर मिट्टी भरकर रखे गए हैं। सीसीटीवी लगाकर निगरानी के साथ ही 4 वाटर कैनर, 2 वज्र वाहन खड़े किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की 3 कंपनी सोनीपत के कुंडली और 12 कंपनी दिल्ली के सिंधु क्षेत्र में लगाई गई है। हाईवे पर 10 लेयर टायर किलर बिछाए गए हैं। वाहनों को गांव के अंदर से होते हुए अन्य स्टेट और नेशनल हाईवे से निकाला जा रहा है। छोटे वाहनों को कुंडली से जाटी कला और सिंधु गांव भेजा जा रहा है। उद्योगपति और फैक्ट्री कर्मी परेशान है। हरियाणा से दिल्ली जाने वाले नौकरी पेशा भी संपर्क मार्गों से 2 से 3 गुना समय लगाकर कार्यालय पहुंच रहे हैं। इथे तो आउंदे जांदे रहणगे लंगर वाले दा आ जिहड़े किला इह 10 दिन हो गए ना मोदी सरकार नूं आ चीज करदिआं नूं। इह तां साडा 5 मिंटां दा काम है। इक जकारा ही छड्डणा है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल आए होणगे आए। इह कुछ नहीं चीजां ना बस इह तां इहनां वास्ते ने यार जिहड़ी साडी कौम है ना जिहड़ी ਸੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠੂਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਿੰਟ, ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਖੱਪਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।